हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या कॉन्टेक्ट में हैं, या किसी पर्सन के बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो उस पर्सन का 3 बार नाम लेना है आपको, रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट करना है। ठीक है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, कोई भी। ओके, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस से सभी जोड़ी साइन के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए है। ओके, एक कार्ड हमारे पास आया है। ओके, दो हैं। ओके, मुझे लगता है आप में से कोई पर्सन है जिसको ये आइडिया है कि उसके रिलेशनशिप के अंदर किसी ने नेगेटिविटी यूज़ की है। आप कंफर्म हैं और आज मेरी सारी रीडिंग्स में यही आ रहा है। ओके ओके, आपको आइडिया भी है कि वो कौन पर्सन है, किसी के ऊपर डाउट है आपको। ओह माय गॉड, ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कंफर्म हैं, जिन्हें आइडिया है कि कौन ये पर्सन है, किसने ये हरकत की है। ठीक है, हो सकता है आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इस वक्त, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, बिना किसी रीज़न के आपके और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा, और ये पर्सन आपके बारे में। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। ओके, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आपके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहता है ये पर्सन। ओके, तो आप में से किसी को तो आइडिया है कि कौन पर्सन हो सकता है, कौन पर्सन है, किसी पे शक भी है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके पार्टनर की बात करूं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो देखिए उन्हें आइडिया है, थोड़ा एहसास है उनको कि उन्होंने किसी बर्डन में आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनाया था। और अगर आज वो सोचते होंगे, फोकस करते हैं सिचुएशन के ऊपर कि ऐसा क्यों हुआ, सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की भी होंगी कि उनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा होगा, उनको भी हेल्थ इश्यूज होंगे, आसपास के सभी लोगों से झगड़ा कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पर्सन है, फीमेल या मेल, मेल है तो फेमिनिन एनर्जी, और अगर ये फीमेल है तो साफ है कि इसी पर्सन ने आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करने के लिए और आपसे रिश्ता ख़त्म करने के लिए अलग किया है आपसे। सेम एनर्जीज मेरे दूसरे चैनल पर भी आई हैं, ये पर्सन ने नेगेटिव एनर्जीज़ यूज़ की हैं और इसी वजह से आप दोनों के अंदर झगड़ा हुआ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना। आपके पार्टनर ने डिसीजन भी ले लिया था कि वो आपके पास रहेंगे, आपके साथ लाइफ स्पेंड करने वाले थे वो, हो सकता है आप दोनों के साथ कमिटमेंट भी हो गया हो। सेम एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर फोकस भी नहीं कर पाते होंगे, इवन आप भी फोकस नहीं कर पाते होंगे, ना स्टडी करने में, ना बिजनेस में, ना जॉब में। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जिसके एनर्जीज़ के बारे में आपके पार्टनर को या तो पता चल गया है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का उस पर्सन से आर्ग्यूमेंट भी हुआ है, और चीज़ें रिवील होंगी इस पर्सन के आपके पार्टनर के सामने। सच कहूँ तो इसमें आपके पार्टनर को पता चल रहा है कि कौन पर्सन है, किसने नेगेटिव एनर्जीज़ यूज़ की हैं, और वो पर्सन जानता था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हो, एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप में हो, इसलिए इस पर्सन ने आप दोनों गलत करके, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये पर्सन जिसने ये नेगेटिव एनर्जीज यूज़ की है। लेकिन या तो आपको भी पता है और आपके पार्टनर को भी पता है कि कौन है ये पर्सन जिसने आप दोनों को अलग करने के लिए नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया है। ओके, क्योंकि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप था, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे आप दोनों, अच्छा चल रहा था सब कुछ, नेगेटिव कुछ भी नहीं था आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों ही जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे लाइफ में बढ़ने वाले हैं, फैमिली में या तो बात चली गई थी या तो आप लोग बात करने वाले थे। ओके, यहाँ पर हम मेजर अरकाना भी देख लेते हैं रीडिंग। देखिए, ये तो कंफर्म है कि शादी होगी आपकी इस पर्सन से, नेगेटिव एनर्जीज जैसे ही रिमूव होंगी ये
पर्सन जैसे आप दोनों की रिलेशनशिप में से दूर होगा। कुछ कार्ड्स हैं हमारे पास, थोड़ा समय लग, पता नहीं ये कार्ड मुझे लगा था कि अगर मैंने मेजर अरकाना लिए तो ये कार्ड ज़रूर आएगा, डेथ। आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए सारी एनर्जीज थी, ठीक है, लेकिन ना ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। ओके, कोई तो यहाँ पर आप में से जानता है ये सारी चीज़ें। ओके, ये सारी चीज़ें जो किस तरीके से रिमूव हो सकती हैं, आप देखिए, ब्लेसिंग्स हैं शिव जी माँ पार्वती की आप लोगों के ऊपर, ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ज़रूर बचेगा, आप दोनों की एक दूसरे के साथ शादी होगी, क्योंकि आपके पार्टनर का स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं आपके लिए कि ये पर्सन आपसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा, भले से कोई भी नेगेटिव एनर्जी कितनी भी ज़्यादा आ जाए, कोई पर्सन कितना भी आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर ले, आप दोनों अलग हो गए नहीं। मैंने भी 555 देखा, 5 मिनट 55 सेकेंड्स। इस पर्सन ने पूरा काफ़ी वापिस सफल करके आया है, सफल करने के बाद फिर से शिव जी माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आई है। देखिए अब यानी कि इस एनर्जी के लिए आपको टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आप दोनों के रिलेशनशिप में जिसने भी किया है वो अपने कर्मास ख़राब किया है। ओके, आप दोनों को अलग करने के लिए इन एनर्जीज़ का अगर किसी के अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। देखते हैं क्या है, नई शुरुआत होगी आपकी भी और आपके पार्टनर की भी, विषय के दोनों एक साथ हों, बैलेंस आएगा। आपको भी अपने थॉट्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर वापस आते हैं तो आप उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन से आपके पार्टनर का आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ये जो पर्सन है इसकी एनर्जीज आपके पार्टनर के सामने आ गई हुई हैं, आपके लिए आपके पार्टनर सोचते हैं कि ये आप हैं, आपको ही कमिटमेंट देंगे, आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, आपके साथ बहुत प्यारे रिश्ते में आना चाहते हैं। आप ना कभी भी इस पर्सन को ये डाउट मत करना, ये पर्सन नई शुरुआत करेगा। जब आपसे बातचीत बंद हुई इस पर्सन की, तो इस पर्सन को भी उतना ही हर्ट हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशन, आपके दूर होने के बाद में इस पर्सन के सामने आई हैं, उन लोगों के बारे में चीज़ें सामने आई हैं जिन लोगों ने नेगेटिव एनर्जीज यूज़ की है, खासतौर पर उनका कोई अपना मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि वो ये चीज़ें कर सकता है। मैं कुछ एंजल कार्ड्स भी लेती हूँ, देखते हैं क्या है। ये सब हो गया, मेरे को नहीं पता था कभी कि मैं इस तरीके से रीडिंग करूँगी, ठीक है, एनर्जी से कुछ इस तरीके की। यस, आप दोनों ज़रूर एक हो गए, उस पर्सन की सच्चाई भी आपके पार्टनर के सामने आ गई है जिस पर्सन ने ये सब कुछ किया है। डेफिनेटली उस पर्सन से आपके पार्टनर का झगड़ा हुआ है। नो बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए अगर झगड़ा नहीं भी हुआ है, उस पार्टनर की एनर्जी सामने नहीं भी आई है, ठीक है, आपके साथ तो रीयूनियन होगा आपके पार्टनर का, इसके लिए यस आया है। उस पर्सन से हो सकता है यूनिवर्स कह रहा है कि नहीं झगड़ा नहीं करना, न उस पर्सन की जाके सच्चाई का पता लगाना है। यहाँ पर अगर ऐसा नहीं करते हैं आप या आपके पार्टनर, तो बिग हैप्पी चेंजेस, अच्छे चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ दो बार नो आया है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको या आपके पार्टनर को पता है, आप हस्बैंड या वाइफ हो, अगर आपको पता है कि ये पर्सन कौन है जिसने नेगेटिव एनर्जीज यूज़ किए हैं, तो भाई ना तो उससे जाके बात करनी है, ना ही उससे जाकर के कोई झगड़ा या करना है, आपको उससे दूरी बना करके रखनी है, इसलिए दो बार नो आया है। जब मैं ये कह रही थी कि आपके पार्टनर का झगड़ा हुआ है, उस पर्सन से ही आपके पार्टनर झगड़ा कर सकते हैं, तब दोनों बार नो आया, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपके आपके पार्टनर से बातचीत हो रही है, आप हस्बैंड और वाइफ हैं, आपको शक है कि किसी ने नेगेटिव एनर्जी यूज़ किए, तो जाकर ये बात किसी से भी नहीं करनी है, लाइक उस पर्सन से जिस पर शक है उससे तो जाके बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ऐसा करते हैं, आपकी झगड़ा नहीं करते हैं, उस पर्सन से नहीं बोलते, तो बड़े और ख़ूबसूरत चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। मुझे नहीं पता आज की एनर्जी ऐसी क्यों आई हैं, लेकिन आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, ये तो आपके लिए गाइडेंस है। आपको जिस पे भी शक है कि किसी ने नेगेटिव एनर्जीज यूज़ किए हैं, उन सब लोगों से दूर रहेंगे आप। ओके, पॉजिटिव रहो, लेकिन यूनिवर्स पे, गॉड पे बिलीव करते रहो। ओके, बाय बाय।